आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता की वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले वे सबसे कम आयु के शहीद थे। खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के महोबनी में। 1908 में बोस को ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई, जो युवा स्वतंत्रता सेनानियों को क्रूर शारीरिक यातनाएं देने और कठोर सजा सुनाने के लिए कुख्यात था। 20 अप्रैल 1908 को बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने यूरोपियन क्लब के सामने किंग्सफोर्ड को ले जा रहा वाहन समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर अदालत के वरिष्ठ वकील बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सवार थे। इस हमले की खबर पूरे शहर में फैल गई और दोनों को पकड़ने के लिए कलकत्ता पुलिस को बुलाया गया। खुदीराम बोस को वाइनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहां वो 25 किलोमीटर पैदल चलकर हमले की अगली सुबह पहुंचे थे। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गिरफ्तार होने के ठीक पहले आत्महत्या कर ली। जब बोस को पकड़कर मुजफ्फरपुर पुलिस थाने लाया जा रहा था, तो भारी भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा थी। कई सुनवाइयों के बाद खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस में देशभक्ति का जज्बा इतना गहरा था कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब उनके पार्थिव शरीर को निकाल कर ले जाया जा रहा था, तो भारी भीड़ रास्ते में दोनों तरफ खड़ी थी। लोग फूल बरसा रहे थे, मानो देश की आजादी के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की मौन सराहना कर रहे हों। महान शहीद को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम राष्ट्रवादी राम कल्याण को भी याद कर रहे हैं, जो 11 अगस्त 1947 को शहीद हुए थे। पूर्व के बूंदी स्टेट, जो कि अब राजस्थान में है, वहां के रहने वाले राम कल्याण ने अगस्त 1947 में बूंदी कामगारों के संघर्ष में भाग लिया। 5 अगस्त 1947 को श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की। पुलिस ने बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। बाकी कामगारों ने जन समर्थन और सहयोग से अपना संघर्ष जारी रखा और 11 अगस्त 1942 को एक विशाल रैली निकाली। जब प्रदर्शनकारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए रैली में मार्च कर रहे थे, तो सशस्त्र पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई आंदोलनकारियों को गोलियां लगी। राम कल्याण के सीने में कई गोलियां लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। स्वदेश की माटी के इस बहादुर बेटे को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमा प्रसाद और सियाम्बरम का भी स्मरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी इन दोनों सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया।
11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रैली पर पुलिस गोलीबारी में चंद्रमा प्रसाद और सियाम्बरम दोनों शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार इन अमर शहीदों को नमन करता है। आज हम शहीद बिसराम राउत को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया। एक मुठभेड़ में उन्हें पकड़ लिया गया, उन पर विद्रोह करने और लोगों को भड़काने का मुकदमा चलाया गया और कठोर परिश्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया, वहाँ हिरासत में ही 11 अगस्त 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई कड़ी के साथ।